अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, मोबाइल स्क्रीन पर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, द इनफॉर्मल कैजुअल एंड रिलैक्स्ड इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल मे बी कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे कि नाम के से जाहिर है, इंटर मीन्स बिटवीन द टू और मोर पीपल। जैसे इंटरसिटी दो शहरों के दरमियान या दो से ज़्यादा शहरों के दरमियान, इंटरनेशनल दो या दो से ज़्यादा ममालिक के दरमियान, इसी तरीके से इंटरपर्सनल दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान। ये जो होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये ऐसी कम्युनिकेशन है जो इनफॉर्मल है, कैजुअल है और रिलैक्स्ड इंटरेक्शन है। यानी इसमें अब फॉर्मल प्रिपेयर नहीं होते और इसके लिए कोई स्पेशल प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। बिटवीन द पीपल मे बी कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इट इज़ प्राइमरली फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ठीक है जी, बिटवीन टू और मोर पीपल सच एन इंटरेक्शन गिव्स देम द अपॉर्चुनिटी टू रिसीव इमीडिएट फीडबैक। इसी की एक टाइप है डायडिक कम्युनिकेशन। अगर ये कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दो लोगों के दरमियान हो तो ऐसी कम्युनिकेशन को डायडिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसकी फर्स्ट लाइन इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट लाइन पे, सक्सेस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन लाइज ऑन मैनी फैक्टर्स। इन एडिशन टू द ओरल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज, अ पर्सन्स सेल्फ बिहेवियर। अच्छा जी, ये जो सक्सेस है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नंबर एक तो ये है कि उसका बिहेवियर, सेल्फ बिहेवियर, फिर सेल्फ परसेप्शन, अपने आप के बारे में अब क्या रवैया रखता है, ख़ुद के बारे में उसका क्या तजिया है, परसेप्शन है, यानी अपने बारे में क्या सोचता है, फिर परसेप्शन बाय अदर्स, दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, प्ले की रोल, ये सारे बड़े अहम किरदार अदा करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के सक्सेस में। वी ऑब्जेक्टिवली और सब्जेक्टिवली कंसिडर हु वी आर। एक्चुअली बात यह है कि हम ऑब्जेक्टिवली हकायक की बुनियाद पर एंड सब्जेक्टिवली इमोशंस की बेस पर ख़ुद को समझ लेते हैं कि हम कौन हैं, हु वी आर, हम कौन हैं, इन दोनों की बेसिस पर। एंड दिस सेल्फ परसेप्शन इन्फ्लुएंसेस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और यही सेल्फ परसेप्शन जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर असरअंदाज होता है। अ पर्सन स्टेचर, इवन के एक शख्स की फिज़िकल अपीयरेंस, जिसमें उसका स्टेचर है यानी कद है, और कॉम्प्लेक्शन है यानी चेहरे की रंगत, और सोशल स्टेटस, ड्रेसिंग स्टाइल भी उसके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर इन्फ्लुएंस करता है। ऑल्सो प्ले नोटेबल रोल इन कम्युनिकेशन सक्सेस और फॉल। इंटरव्यूइंग, और ये है जी नेक्स्ट हमारा, जॉब इंटरव्यू मे बी मोस्ट इंटेंस डायडिक कम्युनिकेशन। इन सच मीटिंग्स इंटरव्यूज ट्राई टू सेटिस्फाई द इंटरव्यूअर्स सो एज टू सिक्योर अ रिस्पेक्टेबल प्लेस एंड रिसीव हैंडसम सैलरी इन रिटर्न। यानी इंटरव्यूई वो होता है जो इंटरव्यू देने वाला होता है, ऐसी मीटिंग्स में कोशिश करता है कि इंटरव्यूअर को कायल कर सके, सेटिस्फाई कर सके, ताकि वो रिस्पेक्टेबल प्लेस विन कर सके और रिसीव कर सके एक हैंडसम सैलरी रिटर्न में। इंटरव्यू के 7 पर्पसेस हैं। नंबर 1 है यूज़ पे है, नंबर 2 प्रोसीजर कैसे होगा, नंबर 3 है एग्जाम्पल दी हुई है। यूज़ आपके सामने लिखा है सीकिंग पोजिशन। इसके प्रोसीजर है कि जब कोई शख्स पोजीशन सीख करने के लिए यानी जॉब के लिए जाता है तो कैंडिडेट स्पीक विद कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, उनके साथ बात करता है कैंडिडेट। और एग्जांपल है रिक्रूटर्स मीट्स विद ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स। रिक्रूटर उसको कहते हैं जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय रखने वाला। इन्फॉर्मिंग ऑन जॉब, जॉब जब पे रख लिया जाता है तो उस वक्त ये इंटरव्यू किया जाता है, ये उसकी सेकेंड पर्पज है। जॉब रिक्वायरमेंट्स आर stated as based on job description। ठीक है जी, इसका प्रोसीजर ये है, जॉब जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बयान की जाती हैं as based on job description और job experience, जिसकी बुनियाद job description पर है, यानी उसका टाइटल क्या है, क्या काम है, या job experience पर उसको उसका प्रोसीजर होता है, यानी उसका ये चीज़ें शामिल होती हैं। एग्जाम्पल है सीनियर मेम्बर और बॉस मीट्स विद न्यू एम्प्लॉई अर्ली इन जॉब एक्सपीरियंस।
अब एक शख्स से जो अभी इब्तदा में है, जॉब एक्सपीरियंस का स्टार्ट होने वाला है, तो उससे मुलाकात करते हैं और जॉब के बारे में बताया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायाडिक इंटरव्यूइंग। नेक्स्ट है जी सॉल्विंग प्रॉब्लम, ये भी एक इंटरव्यू है। फैक्ट्स आर कलेक्टेड, ऑप्शंस रिव्यूड, डिसीजन इज मेड। फैक्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं, ऑप्शन रिव्यू किए जाते हैं और डिसीजन किया जाता है। इसकी एग्जांपल है एम्प्लॉयर टॉक्स विद सक्सेसफुल एम्प्लॉई हु इज़ एब्रेसिव। अब कोई प्रॉब्लम इशू आ जाता है तो एम्प्लॉयर जो है एक कामयाब एम्प्लॉय से मिलता है जो एब्रेसिव है, कोर्स है, उसको अभी सिविलाइज नहीं है, वो नहीं जानता रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उससे मुलाकात करके सॉल्विंग प्रॉब्लम्स का इंटरव्यू किया जाता है। फोर्थ पर्पज़ है सपोर्टिंग सोल्यूशन, इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड आर्ग्यूमेंट्स आर प्लान्ड टू परसुएड। सपोर्टिंग सोल्यूशन में ये है कि इसका प्रोसीजर कि इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, ठीक है, एंड आर्ग्यूमेंट्स आर प्लान्ड, दलाइल प्लान किए जाते हैं कायल करने के लिए, क्योंकि किसी सोल्यूशन को सपोर्ट करना है ना। इसकी एग्जांपल है मैनेजर परसुएड्स एम्प्लॉई हु इज़ अपोज्ड टू रिकमेंडेशन। फॉर एग्जांपल किसी रिकमेंडेशन पे एक एम्प्लॉई अपोज कर रहा है, मुखालफत कर रहा है, तो उसको मैनेजर परसुएड करेगा, जिसके हक में दलाइल देगा और वो फैक्ट्स के बेस पर होंगे। नेक्स्ट फिफ्थ है जी काउंसलिंग एम्प्लॉई, यानी एम्प्लॉई को नसीहत करना, काउंसिल करना, मशावरत करना, एडवाइस करना, डायरेक्शन देना। फैक्ट्स आर यूज्ड टू सपोर्ट कंटेंशन दैट एम्प्लॉई नीड्स हेल्प। फैक्ट्स आर यूज्ड, हकायक इस्तेमाल किए जाते हैं।